नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन। आज 30 नवंबर राजीव भाई दीक्षित, उनका जन्मदिन भी और आज ही के दिन उनका अगर हम कहें स्वर्गवास भी हुआ था। लेकिन उनके जीवन में काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हर कोई जानने की कोशिश करता है। वो जिज्ञासा की चीज़ें आज तक बनी हुई हैं। उनके जीवन के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई, अगर हम उनकी मृत्यु की बात करें तो उस समय भी कई चीज़ें उनके बारे में बोली गई, उनकी मृत्यु को एक षड्यंत्र तक कहा गया। लेकिन आज तक उसके ऊपर स्पष्ट तौर पे कुछ भी कह पाना मुश्किल है। लेकिन ज़िंदगी भर उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए, वो एक स्वदेशी योद्धा के तौर पे हमेशा रहे, क्योंकि उन्होंने भारत के लिए, इस देश के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें की। वो ऐसे इंसान थे जिन्होंने जो विदेशी कंपनियां हैं उनके बारे में बोलना शुरू किया कि भारत के अंदर ये क्यों हैं, और हर चीज़ को तथ्य से समझाना उनकी एक खूबी रही। उसके साथ साथ जो उस समय की तात्कालीन जो सरकार थी उसके विरोध में भी वो खड़े नज़र आए। तो उस स्वदेशी योद्धा की अगर हम आज बात कर रहे हैं तो उसी दौरान आज हमारे साथ मौजूद हैं अजय भारतीय जी, जो कि स्वदेशी योद्धा संगठन चलाते हैं। इनको इसीलिए हमने आज बुलाया क्योंकि वो भी एक स्वदेशी योद्धा थे, और आज जो हमारे साथ मौजूद हैं ये भी अपना एक स्वदेशी योद्धा संगठन चला रहे हैं। उनके जीवन पर आज इनसे हम बात करते हैं। सर, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आपकी पूरी टीम को, कि आप ऐसे एक व्यक्तित्व को परिचर्चा करने के लिए मुझे आपने आमंत्रित किया, जिन्होंने युवाओं की सोच बदल दी, जिन्होंने सामान्य जीवन भारतीयों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव किया, जिन्होंने एक ऐसे विचार को जन्म दिया जिससे पूरा भारत भारतीयता के साथ में जुड़ता चला गया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और सभी दर्शकों को मैं जय हिंद और प्रणाम करता हूं कि आप इसी चैनल से जो जुड़ के आप राष्ट्रीयता देशभक्ति के साथ साथ में अच्छे संस्कारों को भी पल्लवित करने में आप सबका योगदान है, इसलिए मैं आप सबको भी धन्यवाद करता हूँ। सर, एक चीज़ आप हमें बताएं, आप जो राजीव दीक्षित जी का जो जीवन काल है उसको आप कैसे देखते हैं? अमित जी, राजीव जी का जन्म अब आगे आने वाले समय में हो सकता है कि लोग उनको इतना महत्व दे रहे हैं, क्योंकि वो उसके हकदार भी हैं, कि वो उनको अवतार के रूप में लेने लगे। उनका जन्म 30 नवंबर 1967 को अलीगढ़ के एक गांव में हुआ था। दीक्षित परिवार में जन्मे, बचपन से ही उनमें देश के लिए कुछ कर गुजरने का एक जज्बा था, और उन्होंने बीटेक किया। बीटेक करने के बाद आईआईटी खड़गपुर से उन्होंने एमटेक किया, और राजीव भाई से हमारा मिलना भी हुआ। उस समय राजीव भाई बताते थे कि मेरे साथ के जितने भी इंजीनियर्स थे सभी कोई अमेरिका में चला गया, और विदेशों में जाके उन्होंने अपनी सेवाएं शुरू कर दी। और उन्होंने कहा कि राजीव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो और पढ़ाई में भी अच्छे रहे हो, तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहते थे कि मेरा जन्म माँ भारती के लिए हुआ है और मैं यहाँ रहकर अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ। कितने करोड़ों रुपए खर्च करके एक इंजीनियर को तैयार किया जाता है, भारतीय संसाधन लगते हैं आईआईटी में, और उसके बाद हम यदि विदेशों की सेवा करने चले जाएं तो वो हमारी स्वार्थ प्रता होगी, तो हम अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। इसी कारण से उन्होंने विदेश ना जाकर भारत में ही सेवाएं प्रारंभ की, और उन्होंने कुछ समय के लिए पूर्व राष्ट्रपति जो माँ भारती के अनन्य बेटे हैं और जिनको हर भारतीय बड़े इज्जत से देखता है, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी, उनके साथ भी सेवा देने का उनको मौका मिला, और वो उनसे भी बड़े प्रभावित थे। उसके बाद में कुछ समय के बाद उन्होंने स्वदेश बचाओ, एक भारत बचाओ आंदोलन चलाया, उनके संस्थापक भी वो रहे,
लेकिन उनको ज़्यादा ख्याति नहीं मिली। बाद में 2009 में वो स्वामी रामदेव जी के साथ में आए और उनसे जुड़कर उन्होंने उनको एक बड़ा मंच मिला और भारत स्वाभिमान संगठन की एक स्थापना हुई, उसमें उनको राष्ट्रीय महासचिव के तौर पे उनको जिम्मेदारी दी गई और वो बहुत ही अपनी बात कहने में बड़े दक्ष थे और उन्होंने जगह जगह जाकर अपनी व्याख्यान दिए और लोग एकजुट होकर एक सैलाब की तरह उनके पीछे चलने लगे थे। हम राजीव भाई से 2008 और 9 में हम मिले थे। 2009 में पतंजलि योगपीठ में उन्होंने अपने व्याख्यान दिए थे और उस समय हम भी शिविर में गए हुए थे और उसी दौरान वो रेवाड़ी में भी आके उन्होंने अपने व्याख्यान दिए। बहुत से लोग पुराने हैं, वो जानते हैं, जुड़े हुए हैं, लेकिन वो एक जीता जाता जागता जागते इंसाइक्लोपीडिया हम कह सकते हैं। इतिहास का इतना ज्ञान था, साइंस का इतना ज्ञान था, आयुर्वेद का भी बहुत बड़े एक मर्मज्ञ थे वो और उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरीके से इस माँ भारती की सेवा में आहूत कर दिया। सर, अभी आपने बताया कि इन्होंने IIT खड़गपुर से भी MTech किया और उसके बाद आपने बताया कि उसके साथ साथ उन्होंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ भी काम किया। उनके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं जो रहस्यमय रही हैं एक तरीके से अगर मैं कहूं, क्योंकि जब IIT के बारे में उनके बारे में RTI निकाली गई तो उसमें भी कहीं कुछ नहीं निकला। उन्होंने कहा कि यहाँ कोई इस नाम का स्टूडेंट पढ़ा ही नहीं। और जिस तरीके से अभी आपने बात की कि उन्होंने APJ अब्दुल कलाम के साथ काम किया, वो भी चीज़ें कई जगह पढ़ने में भी आती हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो दौर था उस समय का वो भी आज तक ये चीज़ें साबित नहीं हो पाई कि उन्होंने काम किया या नहीं किया। वो भी कई, इसलिए मैंने कहा कि ये रहस्यमय चीज़ें नहीं हैं। और उसके साथ साथ जो उनकी मृत्यु हुई उसके ऊपर भी आज तक रहस्य बना हुआ है, आज भी ये चीज़ें सामने आती हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक षड्यंत्र था, तो उनकी मृत्यु का जो षड्यंत्र बताते हैं इस बारे में आप क्या कहें? देखिए अमित जी, जितने भी महापुरुष रहे हैं उनके साथ में कोई ना कोई विवाद या उनके साथ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जुड़ती चली गई हैं, क्योंकि लोग पता नहीं क्यों जो महापुरुष रहते हैं, एक तो उनका जीवन छोटा रहा है और ये भी लगभग 43 वर्ष की उम्र में इस संसार से चले गए। और जहाँ आप षड्यंत्रों की बात कह रहे हैं उनमें आप देखोगे कि जब तक वो थे पूरे तन्मयता से पतंजलि योगपीठ भारत स्वाभिमान की सेवा करते रहे, परम पूज्य स्वामी जी के साथ में एक सच्चे सिपाही बन के उन्होंने सेवाएं दी हैं, लेकिन समस्याएं आती हैं उनके जाने के बाद। कुछ लोगों ने जो पतंजलि योगपीठ के विरोधी भी रहे और जो शंकाएँ पैदा करने के लिए उन्होंने छोटे छोटे सिगुफे छोड़े और उनसे एक षड्यंत्र की बू आने लगी, लेकिन जो चीज़ें स्पष्ट हैं क्योंकि मैं उन लोगों से मिला हूं जो अंत समय में राजीव भाई के साथ में थे और उन्होंने स्पष्ट बताया है कि उनको अचानक दिल का दौरा पड़ा और प्रारंभ में तो लगा कि उनको गैस की समस्या है इसलिए उनको ऐसा महसूस हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि मैं एक बार शौचालय में होके आता हूँ। वो शौचालय में गए लेकिन जब कई देर तक वो वापस नहीं आए तो जो उनके साथी थे उन्होंने आवाज़ दी, जब नहीं आवाज़ का कुछ उत्तर मिला तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ के उनको बाहर निकाला। उनको देखा तो वो फर्श पर गिरे हुए थे, पूरा पसीने से लथपथ थे और अचेत अवस्था में थे। लेकिन जब उनको बाहर लेके आए, उनको थोड़ा सा हवा में और थोड़ी देर के बाद उनको होश आता है तो उन्होंने स्वामी जी को भी फ़ोन किया, जो सहयोगी थे, जो संगठन के साथी थे, कि जी स्वामी जी ऐसी ऐसी स्थिति है। तो स्वामी जी ने तुरंत कहा कि राजीव भाई से बात कराओ। राजीव भाई से बात की और लंबी बातें चली। राजीव भाई को कहा कि भाई आपको यदि हार्ट की समस्या है तो आप तुरंत किसी अच्छे से हॉस्पिटल में जाइए, आपका वहाँ इलाज हो सकता है और आपको वहाँ जाना ही चाहिए। तो उन्होंने स्वामी जी के आग्रह को भी टालते हुए कहा कि स्वामी जी मैंने सारी उम्र स्वदेशी के लिए काम किया है
और स्वदेशी योद्धा होने के नाते मैं एलोपैथी का एक इंजेक्शन अपने शरीर पे, एक टैबलेट भी अपने शरीर के अंदर नहीं जाने दूंगा। इस जिद को लेके वो बैठ गए। पूज्य स्वामी जी ने भी उनको कई बार समझाया कि राजीव भाई, यदि बचे रहे तो देश के लिए आपको बहुत काम करना है, काम करोगे। आपातकालीन स्थिति में कोई भी पैथी है वो ले लेनी चाहिए, इसमें इतना आग्रह नहीं रखते। लेकिन उन्होंने उनकी बात को भी नहीं माना और इसका खामियाजा हम और पूरा राष्ट्र भुगत रहा है कि एक ऐसे विद्वान, एक ऐसे प्रखर प्रवक्ता, एक ऐसे योद्धा जो इस भारत के युवाओं को एक नई दिशा दे, अभी भी दे रहे हैं जाने के उपरांत भी, एक ऐसा विचार, एक ऐसे महापुरुष से हमें हाथ धोना पड़ा। लेकिन वो विदेशी चिकित्सा पद्धति से उन्होंने दूरी बनाए रखी। तो ये षड्यंत्र लोग अपने अपने हिसाब से बताते हैं, लेकिन सच्चाई यही है, क्योंकि इस विषय में हमारी स्वामी रामदेव जी से भी चर्चा हुई है और वहाँ जो राजीव भाई के साथ में जो लोग थे उनसे भी चर्चा हुई है, और ये दोनों चीज़ें, दोनों बातें एक जैसी प्रतीत हुई। तो इसमें षड्यंत्र तो वो लोग कहते हैं जो अपना मोटिव, कुछ और मोटिव लेके इसमें अपना फ़ायदा देखते हैं। जी, आपने अभी अभी बताया कि आप स्वामी रामदेव जी से भी जुड़े रहे हैं, और जो उनकी मृत्यु के समय, अगर राजीव दीक्षित की हम बात करें, उनकी मृत्यु के समय जो लोग उनके साथ थे उनसे आपकी बात हुई है। लेकिन सुनने में, देखने में ऐसा भी आता है कि राजीव भाई दीक्षित ने स्वामी रामदेव पर भी कुछ गंभीर आरोप लगाए थे, तो इस विषय में आपकी क्या राय? आपकी बात सही है। ये समय था जब वो पतंजलि योगपीठ आए नहीं थे, उनको इस पतंजलि योगपीठ के विषय में ज्ञान नहीं था, तो उन्होंने सामान्य एक नज़रिए से कुछ बातें स्वामी रामदेव जी के विषय में भी गलत कही थी। लेकिन जब वो पतंजलि योगपीठ आए तो उन्होंने पूरा सेवा का प्रकल्प देखा अपनी आँखों से, और उन्होंने स्वयं महसूस किया कि यहाँ पूरा प्रामाणिकता से राष्ट्र की सेवा हो रही है, लोगों को सही दिशा में सेवा दी जा रही है। तो उन्होंने पूज्य स्वामी जी से क्षमा भी मांगी, और पूज्य स्वामी जी ने उन्हें क्षमा करते हुए पूरा अपने पूरा सम्मान उनको दिया और पूरा मंच उनके साथ में साझा किया, क्योंकि पूज्य स्वामी जी चाहते थे कि वो देश के लिए और बड़ा काम करें, और उन्होंने किया भी। उनके साथ मिलके भारत स्वाभिमान की स्थापना हुई और उनको उसमें बड़ा पद भी दिया गया, और वो जगह जगह जाके व्याख्यान भी दे रहे थे। तो ये उस समय की बातें हैं, अनभिज्ञता में कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन जब पता चला तो आदरणीय भाई राजीव दीक्षित जी ने इस बात को महसूस किया और अपने आप को भारत स्वाभिमान के कार्यों के प्रति पूर्ण समर्पित कर दिया था, और उन्होंने कहा, स्वामी जी, मेरा इस दुनिया में जो कुछ है मैं अपने आप को इस यज्ञ में आहूत करता हूँ। तो अगर आज के परिप्रेक्ष्य की हम बात करें, तो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर कुछ चीज़ें हैं, अगर क्योंकि आपने भी एक स्वदेशी योद्धा संगठन चलाया हुआ है, तो आज के परिप्रेक्ष्य में कैसे याद करेंगे हम राजीव भाई दीक्षित को? अमित जी, हम अपने संगठन के मूल में पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं और हमें मार्गदर्शन करते रहते हैं योग की के माध्यम से, और उनके व्याख्यानों के माध्यम से हम उनसे प्रेरणा पाते हैं। दूसरा, हमारे राजनीतिक स्वदेशी राष्ट्र चिंतक जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं, हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं, वो आदरणीय भाई राजीव दीक्षित जी हैं, और उनके बताए हुए कार्यों पे, जैसे कि स्वदेशी का है, हम स्टोर चलाते हैं, स्टोर में हमने एक भी कोई चीज़ ऐसी नहीं रखी जो विदेशी हो, और हम ज़्यादातर सामान जो शून्य तकनीकी से बना है, कोई भी सामान ऐसा नहीं खरीदते, और हमारे कार्यकर्ता भी इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि विदेशी सामानों का प्रयोग नहीं करते। तो इस माध्यम से हम उनके विचार को जीते हैं, साथ में गांव-गांव में जाके हम लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि वो विदेशी सामान ना खरीदें। उन्होंने एक नारा दिया था, ठंडा मतलब
कोका कोला का एक ऐड आता था, उन्होंने दिया था ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर, उन्होंने जो कोल्ड ड्रिंक्स का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है उसको भी पटाक्षेप करते हुए लोगों में जागरूकता पैदा की कि इसका सेवन ना करें और इसको टॉयलेट साफ करने में ये काम आती है, उतने केमिकल इसमें पड़े होते हैं, हमारे पेट में भी बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो उनका जीवन हमारे लिए आदर्श है और हम अपने संगठन के मूल में उनके प्रेरणाप्रद जो ज्ञान है उसको लेके चलते हैं और हम उनको नमन करते हैं कि वो हमारे जीवन में आए, हमारे राष्ट्र को उनका बहुत बड़ा योगदान है और उनको आज भी हम श्रद्धांजलि भी देते हैं उन शहीद को, और हम शहीद मानते हैं भाई राजीव दीक्षित ने, जिन्होंने एक स्वदेशी योद्धा बनकर राष्ट्र को एक प्रेरणा दी और एक मिसाल कायम करके गए। सर, स्टेट न्यूज़ हरियाणा से इस विषय पर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमित जी, मैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा के सभी साथियों को, आपकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ और साथ में जितने भी दर्शक स्टेट न्यूज़ हरियाणा से जुड़ते हैं मैं उनको भी साधुवाद देता हूं कि आपके प्रोत्साहन से अमित जी और इनकी पूरी टीम बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं, जन चेतना का कार्य कर रहे हैं, जो समय समय पर जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको भी उठाते हैं, जो गलत हो रहा है उस पर भी अंकुश लगाते हैं और राष्ट्रीयता की जो भावना है वो लोगों में बढ़ाते जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। जय हिंद। जय मां भारती। तो आज हमने राजीव भाई दीक्षित के जन्मदिन पे, और अगर हम कहें कि उनका स्वर्गवास के दिन, स्वदेशी योद्धा संगठन से अजय भारतीय जी से बात की। लेकिन अगर सबसे बड़ी बात कोई है तो राजीव भाई दीक्षित एक स्वदेशी योद्धा के तौर पे काम करते रहे और उन्होंने पूरे देश को जागृत करने का काम किया। उन्होंने कभी भी ये चीज़ नहीं देखी कि अगर मैं सत्य पे हूँ तो या मैं सरकार के खिलाफ जा रहा हूँ या मैं बहुत सी ऐसी कंपनियों से पंगा ले रहा हूँ कि जो मुझे कभी भी ख़त्म कर सकते हैं, उनकी उन्होंने कभी भी परवाह इस चीज़ की नहीं की और उसके बाद भी वो सत्यता के राह पर और अपने देश के लिए, अपने देश को स्वाभिमानता की तरफ ले जाते हुए हर एक कदम को फूंक फूंक के रखा। और उन्होंने कभी भी अपने जीवन में ऐसी चीज़ें नहीं की जिससे कि देश को कोई नुकसान पहुंचता हो। तो ऐसी शख्सियत से आप सभी को और हमको भी कुछ ना कुछ प्रेरणा लेने की ज़रूरत है और इनसे हमें सीखना चाहिए ताकि आने वाले समय में हम भी अपने देश के लिए कोई ना कोई योगदान हर समय दे पाएँ, क्योंकि बहुत बड़ी शख्सियत वो थे और उनसे सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है जो कि आपको और हमें सीखना चाहिए। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके विचारों से प्रेरित हो सकें। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।